खबर शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र से है। यहां आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने आज 49 नकली सोने के सिक्के जब्त किए हैं, वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि दोनों आरोपी नकली सिक्कों को खपाने के लिए निकले थे। जानकारी के मुताबिक आरोपी हरपाल जाटव पिता पप्पू जाटव निवासी गुंगारी उम्र 22 साल, सुनील जाटव पिता प्रतीक जाटव उम्र 22 साल निवासी किलवानी 49 नकली सोने के सिक्के लेकर आए थे और बेचने की फिराक में थे। असली सिक्के कहकर ये लोगों के साथ ठगी करते थे, जिसका संदेह फरियादी को हुआ और उसने तत्काल ही जब सिक्कों की जांच कराई तो पता चला कि नकली सिक्के हैं, जिसके बाद उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों के चंगुल से 49 नकली सोने के सिक्के जब्त किए हैं, वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। वहीं आरोपियों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरियादी ने सूचना दी थी कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, दो लोग, और वो मेरे को असली सोने का सिक्का बताकर नकली सोने का सिक्का बेच रहे थे। मैंने उसकी तस्दीक कराई एक सुनार से, तो जब मेरे को लगा कि ये मेरे को ठग रहे हैं, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हमने उन दो लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 49 सिक्के बरामद हुए हैं, जो नकली सिक्के हैं। उसमें मुगल साम्राज्य के ज़माने का कुछ अरबी भाषा में उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। तो इन सिक्कों को इन्होंने कहाँ से बनवाया, कुछ पता हो पाया? हाँ नहीं, ये अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि इनके साथ में और कौन लोग हैं, किस प्रकार की ये ठगी करते हैं। ये कुछ गड़ा सोना निकालने के नाम से भी ठगी करते हैं और असली सिक्के बेचने के नाम से भी ठगी करते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? इनमें अभी 420 की कायमी की गई है।